आपका प्रश्न है भयानक रोग, कुष्ठ है, कैंसर है, एड्स है, किस कर्म का फल है? या कोई हिजड़ा बना है तो किस कर्म के फल से बना है? कौन से कर्म का फल क्या मिलता है? बहुत सीधा सा आपका प्रश्न है, किस कर्म का फल क्या मिलता है? कर्म की गति में परमपिता परमात्मा ने बड़ा सीधा बहुत स्पष्ट समझाया है जो बोया है वही काटे। जो दिया है वो लेंगे, ये हम कर्म फिलोसफी में अच्छी तरह समझ चुके हैं। परम धाम से आने के बाद जो आत्मा, जिस भी आत्मा को जो सुख व दुख देती है, जितना देती है उतना उसी से लेना पड़ता है। ये बंधन है। अब रोग क्यों हुआ, इसके पीछे हमारे अनेक कर्म काम करते हैं। जिन आत्माओं की हमने सेवा की हुई है उन आत्माओं से सेवा वापस लेने के, ऐसी अवस्था में जिन आत्माओं को हमने दुख दिया हुआ है, ताने मारे हुए हैं, उन आत्माओं से वो ताने सुनने के लिए, दुख लेने के लिए। बहाना डॉक्टर है, परंतु डॉक्टर तक पहुंचने के लिए अनेक आत्माओं को हमें खर्च करना पड़ता है। हमने रिक्शा किया, गाड़ी किया, या बस किया, या कार किया, रास्ते में हमने जिन होटल पर खाना खाया, किसी प्रकार की और सुविधाएं ली या दी, ये सब लेने देने के हिसाब बराबर करने के लिए ये रोग आते हैं। उसमें भी आप देखते हो कि सारे दुख देने के निमित्त नहीं होते, कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो सुख देते हैं, जो दुख देते हैं, सुख देते देते भी दुख दे देते। चाहे हम पशु बने, चाहे हम पक्षी बने, चाहे कोई हमारे जीवन में रोग आए, आर्थिक संकट आए, सामाजिक संकट आए, पारिवारिक संकट आए, या हम पुरुष बने, स्त्री बने, या ही जड़ा बने, हम बनेंगे मनुष्य ही, चाहे हिजड़ा बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे पशु बने, चाहे स्त्री बने, चाहे पुरुष बने, तीन ही है। परंतु हम ये बने, चाहे स्त्री या पुरुष या हिजड़ा, ये बने हम अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए। जिस पल हमारा अकाउंट बराबर हुआ, उसके बाद हम चले जाते, चाहे शरीर छोड़ दें, तो चाहे वैसे ही किसी कारण से कहीं चले जाए, अकाउंट बराबर।
नौकरी अमेरिका में लग गई, ऑस्ट्रेलिया में लग गई, कनाडा में लग गई, बराबर, अब वहीं चले गए, नहीं है तुम्हारे रहना ही रहना, हिसाब तो बराबर करना ही। हम अपनी कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए ही इस संसार में हैं। जैसे ही अकाउंट बराबर हुआ, एक सेकंड भी हम इस संसार में नहीं रहेंगे। ओम शांति।